हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे बड़ी COVID-19 देखभाल सुविधा होगी? बिल्कुल, वो भारतीय शहर ही है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी COVID-19 देखभाल सुविधा उपलब्ध होगी। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली। 30 जून 2020 तक ये जो सुविधा है उपलब्ध हो जाएगी। कौन सी सुविधा? दुनिया की सबसे बड़ी COVID-19 देखभाल सुविधा दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं, किस विमेंस टीम मतलब महिला टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रिस्ट, इस महिला बल्लेबाज का नाम है रेचल प्रिस्ट, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। हाल ही में इन्हें न्यूजीलैंड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली थी और इसके तत्काल बाद ही इस महिला जो विकेट कीपर है, इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अर्थात घोषणा कर दी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस बैंक ने COVID-19 हेल्थ कवर लॉन्च किया है? एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है COVID-19 हेल्थ कवर। तो बैंक का नाम मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी PNB पंजाब नेशनल बैंक, सी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, डी कर्नाटक बैंक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक बैंक। जी हाँ, कर्नाटक बैंक ने COVID-19 हेल्थ कवर लॉन्च किया है और इसमें 399 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा, तब जाके अभ्यर्थी से लाभान्वित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं चौथा सवाल। 18 जून को, जी हाँ 18 जून को किस राज्य की सरकार ने मास्क डे बनाया है? अभी अभी बनाया नहीं, सॉरी मनाया है। मास्क डे 18 जून को किस राज्य की सरकार ने मनाया है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है। पांचवा सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्य चुना गया भारत, जो UNSC ने स्थायी सदस्य चुना है, वो कब से 15 देशों वाली शक्तिशाली परिषद के पद की जिम्मेदारी निभाएगा, कब से निभाएगा? ऑप्शन ए जुलाई 2021, ऑप्शन बी अगस्त 2021, ऑप्शन सी सितंबर 2021, ऑप्शन डी अक्टूबर 2021। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अगस्त 2021 से भारत इसकी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, छठवां सवाल, क्रेडिट रेटिंग फिंच खींचने वाली 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? क्रेडिट रेटिंग खींचने वाली एक फिंच नाम से है, उसने 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? जो क्रेडिट रेटिंग खींचने वाली फिंच नाम से कोई संस्था है, फिंच, इसने किस 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया, ये सवाल है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत का 8 साल में पहली बार जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है क्रेडिट रेटिंग करने वाली फिंच ने। तो इसका जो वजह बताई है ये प्रमुख रूप से बताया कोविड-19 की वजह से ऐसा होने जा रहा है इस फिंच ने। अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाली सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को, ओनली किस संस्थानों के छात्रों को, सरकारी संस्थानों के छात्रों को, बहुत बड़ी बात है ये, 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु, और वो भी गवर्नमेंट जो संस्थानों में पढ़े हैं छात्र उन्हीं के लिए ये है नीट परीक्षा में 10% का रिजर्वेशन। हैंड्स ऑफ इसके लिए। आगे चलते हैं, आठवां सवाल। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? ये बहुचर्चित विवाद है जिसको काला पानी विवाद के नाम से भी जाना जाता है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था 372 वर्ग किलोमीटर का, सॉरी, एक क्षेत्र है जिस पर भारत, नेपाल और चीन इनकी सीमा लगती है। तो नेपाल तो इस क्षेत्र को अपना बताता आया है और भारत अपना बता रहा है इसका। तो ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल की संसद ने इस नक्शे को मंजूरी दे दी है जिस नक्शे में विवादित क्षेत्र को अपना दर्शाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितनी कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 41। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 41, कोयला खदानों की नीलामी शुरू कर दी है। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 10वां सवाल और लास्ट सवाल। ये सवाल कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीम हिक, ऑप्शन बी रिकी पोंटिंग, ऑप्शन बी स्टीवा और ऑप्शन डी जस्टिन लैंगर। तो इसका राइट आंसर है ग्रीम हिक। इसका राइट आंसर है 10वें सवाल का ग्रीम हिक। इसको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया गया है जिसका नाम है ग्रीम हिक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। यदि हमारा ये अंक आपको रोचक लगा हो, आपकी हेल्पफुल लगा हो आपके लिए, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस करंट जीके का जो PDF है इसको मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।